बुकिंग भी उठाएंगे आरटीओ का क्या मतलब होता है बुकिंग को रोकना। हमारी ऑल इंडिया परमिटेड टैक्स देते हैं हम साल का और हर स्टेट का टैक्स देते हैं, इसीलिए देते हैं कि हम बुकिंग उठाए। हम कौन रोक लेगा हमें बुकिंग उठाने से। सुमित बारजीवार जी को तहे दिल से धन्यवाद, मलिक भाई को धन्यवाद जिन्होंने हमारी हेल्प की, और जितने भी ड्राइवर भाई हैं सबको हाथ जोड़कर राम राम भाई, राम राम भाई। तो भाइयों, मैं धर्मवीर जी की गाड़ी में रेस्ट कर रहा था, पुलिस वाला आया, बोला भाई कागज चेक कराओ। भाई हमारे कागज कंप्लीट थे, मैं किस बात का डर था, हमने भी भाई अपने कागज दे दिए। तो भाई आरटीओ मैडम के पहले तो धर्मवीर के साथ बदतमीजी की उन्होंने, फिर मेरा नंबर आया, मैं देखो जी कागज चेक कराओ, वो सारे कागज चेक किए, बोले टैक्स दिखाओ, मैं जी ये टैक्स रहा, बोले चलो ठीक है, बोले फिर यहाँ क्यों खड़े हो, मैं मैडम सीएनजी भरवाई है, खाना खुना खा रहे हैं, वो बोले तुम यहाँ से सवारी उठा कर ले जाते हो, मैं मैडम यहाँ से कौन सी सवारी है, मालसी सीएनजी पंप से कौन सी सवारी मिलेगी आपको, हमें ये तो बताओ, आपको भरते हुए सवारी भरते हुए देखा हमें। और जब तो फिर खड़े हैं, फिर वो बोले भाई, बोले तुम यहाँ से देहरादून से कोई सवारी कोई पिकअप कुछ भी नहीं उठा सकते। मैंने बोला मैडम क्यों नहीं उठा सकते ये बताओ, बोले क्योंकि तुम्हें यहाँ से सवारी उठाने का कोई अधिकार नहीं है। भाई मैंने मेरा जो ऑल इंडिया परमिट था, मैं मैडम ये आप लोगों ने नहीं इशू कर रखा है, आरटीओ इशू करता होगा इसको, मैं ये किस लिए है, इसकी फीस किस लिए कटाते हो आप, ऊपर से जो हम टैक्स देते हैं वो किस लिए कटाते हो। भाई ऑल इंडिया का मतलब हम कहीं से सवारी उठा सकते हैं और कहीं ड्रॉप कर सकते हैं, मेरे को बोल रहे तो वो बहुत ज़्यादा यूनियनबाजी करता है क्या। मैं नहीं मैडम, मैं जो मेरा अधिकार है उसी के लिए बातें कर रहा हूँ। वो बोली अच्छा मैं दिखाती हूँ, तो बोली आपकी गाड़ी को सीज किया जाता है, और ऊपर से जैसे कि मेरा टैक्स कटा था 11:11 पे, उस पर मेरे वाले पे लिख दिया कि हमने इस गाड़ी को 11 बजे रोका और इसके पास टैक्स नहीं था। आपका टैक्स कटा हुआ था? मेरा टैक्स जब उन्होंने चेक किया मेरा कटा हुआ था 11:11 पर, सब कंप्लीट था। कोई बात नहीं, इस बात को भी हम चैलेंज कर देंगे कि जिस दिन हमारी गाड़ी का चलान कटा है, जिस दिन बंद हुई है, उस दिन हमारे पास स्टेट टैक्स था या नहीं था, कर देंगे ना साबित। बिल्कुल, अभी दिखा, जरूरी नहीं है कि हम उस गाड़ी को आरटीओ से ही छुटवाए, हम उस गाड़ी को कोर्ट से भी छुटवा सकते हैं और छुटवाएंगे, चैलेंज के साथ छुटवाएंगे। गाड़ी तो छुट गई दोस्तों, ये तो वही बात होगी कि मेरी गाड़ी मेरे घर पे खड़ी है, आरटीओ ढूंढते ढूंढते आया कि इसकी गाड़ी खड़ी कहाँ है। ये देखो, हमेशा आरटीओ अपने पॉइंट पे खड़ा रहता है, और वो गाड़ी जो भी गाड़ी आती है आरटीओ के पास से होके गुजरती है जब आरटीओ उस गाड़ी को रुकवाता है। आरटीओ ढूंढता ढूंढता आता है इनकी गाड़ी को और चलान करता है। और इम्प्रॉपर पार्किंग का चलान कब से आरटीओ करने लग गया यार, पार्किंग का चलान तो ट्रैफिक पुलिस करती है, आरटीओ हमेशा टैक्स चेक करता है, आरटीओ का जो काम होता है। सर चालान का किया, गाड़ी बंद की है, गाड़ी बंद कर दी ना, 27 गाड़ियां बंद हुई है। और दोस्तों ये 100 से ज्यादा ड्राइवर भाई हैं, पहले का टैक्स है, ये 100 से ज्यादा ड्राइवर भाई हैं, ये ऐसे ही नहीं आए यहाँ पे, ये परेशान है। और दिल्ली की यूनियन भारतीय चालक सेना इन भाइयों के साथ है, चाहे हमें किसी से भी लड़ना पड़ो, चाहे वो सरकारी क्यों ना हो, हम लड़ेंगे। ड्राइवर एकता। दोस्तों अब आप लोग फैसला करोगे आप लोगों ने क्या करना है, हम आप लोगों के साथ हैं हर सूरत में हर हालात में। अब आप लोग हमारे साथ हुआ है, हम भी वही करेंगे। सीधा सा ईंट का जवाब अब पत्थर से दिया जाएगा, अब खामोशी नहीं अख्तियार की जाएगी। जैसे उन्होंने रोका है वैसे यह रोका जाएगा, उत्तराखंड की गाड़ी यहाँ चलने दी जाएगी, न सवारी बिठाने दी जाएगी। बिल्कुल चक्का जाम कर देंगे। और एक बात और सुन लो, वो यूनियन वाले आप लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप लोगों के पास चंदा आता है ना भी आता हो वो आपकी मेहनत के ऊपर है, लेकिन आपके इस तानाशाही के चक्कर में इन ड्राइवर भाइयों का नाश हो जाएगा, दिल्ली एनसीआर वालों का भी और उत्तराखंड वालों का भी।
ये आपस में लड़ जाएंगे, ड्राइवर ड्राइवर का दुश्मन हो जाएगा, आप लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम आपसे यही हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि अपने आरटीओ को रुकवा लो, जिसको आपने कहा है चालान करने के लिए। एक भाई हो रहा है, ये बताएंगे 11 बजे चालान। भाई जी मेरी गाड़ी रेसकोर्स रोड पे खड़ी हुई थी, ड्राइवर मेरे से बात कर रहा था और एआरटीओ ने आके जबरदस्ती चालान किया, और जबकि उन्हें मतलब बोला भी था कि आरटीओ आपके पास आया था, आरटीओ आके और गाड़ी के पास खड़ी गाड़ी के आके मतलब ड्राइवर मेरे से बात कर रहा था, रात को 11:20 पे चालान किया है उसने आके, रात को कल की नाइट रात को। हाँ जी सब कुछ था, टैक्स ऑल पेपर गाड़ी थी, गाड़ी टैक्स था, उत्तराखंड स्टेट का टैक्स था आपके पास? जी बिल्कुल था। टैक्स होने के बाद भी आरटीओ आया इनको ढूंढते ढूंढते, जैसे पुलिस सर्च करती है ना कि ये आदमी कहाँ है, घर पे है कहीं और है, जब उसके वारंट निकलते हैं, जब पुलिस सर्च करती है ना, इसी तरह इन भाई की गाड़ी सर्च करते करते आरटीओ आया और इनकी गाड़ी को बंद कर दिया। यानी कि इन गाड़ियों की जो मुखबरी है, खबर है, उनके पास पक्की दे रखी है, तभी इन भाइयों की गाड़ियों को बंद किया जा रहा है, वरना आरटीओ का काम नहीं होता अपने पॉइंट को छोड़ के दर दर की ठोकरें खा के उन गाड़ियों को बंद करे। रात को 12 बजे तो वैसे ही सो जाता आरटीओ, लेकिन अगर वो काम कर रहा है तो वो ओवर टाइम का काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? जब पैसा मिल रहा है, ज्यादा पैसा मिल रहा है इसलिए वो रात को काम कर रहा है, दिन में ही काम नहीं करते आरटीओ तो, ये रात में स्पेशल ड्यूटी है, उनसे पैसा खा रखा है।